स्मार्ट स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, हम सबका स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वर्ड वॉल के अंदर इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र में एड्रेस टाइप करेंगे wordwall.net। ये एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है जिसमें टीचर्स इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ बना सकती हैं और फिर उन एक्टिविटीज़ को हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और उन एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट टीचर्स चेक भी कर सकती हैं। और ये एक फ्री वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जिसके ज़रिए हम इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन के लिए जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं कि आप अगर इसको परचेज़ किया हुआ है, अगर आपके पास लाइसेंस्ड है तो यू कैन यूज़ एन आईडी एंड पासवर्ड, अदरवाइज़ आप गूगल के ज़रिए भी साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल के ज़रिए साइन इन करते हैं। आप गूगल से यूज़र नेम पासवर्ड अपना देंगे और आप ऑथेंटिकेट होकर इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब इसमें कोई भी एक्टिविटी बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट एक्टिविटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्रिएट एक्टिविटी पर क्लिक किया तो आपके पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, मैचअप है, क्विज़ है, रैंडम व्हील, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अब जो आप इसमें जिस तरह की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें बना सकते हैं। बहुत सारी फ़न टाइप एक्टिविटीज़ हैं जैसे एयरप्लेन, इसमें आप मेज चेस बना सकते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप अपने रखना है वो आप बना सकते हैं, लेबल डायग्राम अपने, एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, वो आप बना सकते हैं कि लेबल डायग्राम, एक डायग्राम आप लगाएंगे और उसमें बच्चे उसको आप वर्ड्स होंगे उसको आप लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियली मैं आज आपको एक क्विज टाइप एक्टिविटी बनाना सिखाऊंगा कि एक क्विज टाइप एक्टिविटी हम कैसे बना सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं क्विज पे। ये हमारे पास एक्टिविटी ओपन हो गई। यहाँ पर हम इस एक्टिविटी का टाइटल दे देते हैं, ठीक है जी, हमने टाइटल यहाँ पर दे दिया, मैच द पिक्चर विथ बिगनिंग लेटर। अब यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देंगे, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं और पिक्चर भी, या आप कोई एक, दोनों में से यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पर जस्ट जो एक्टिविटी बना रहा हूँ वो जस्ट पिक्चर ऐड करूँगा। और वो पिक्चर हमने कैसे ऐड करनी है, वो हम ऐड इमेज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप करें, लेट्स से आप कहते हैं जी एरोप्लेन, ठीक है, एंटर किया तो आपके पास ये एरोप्लेन्स जो हैं वो आ गए। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये इसको सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर आप अपीयर हो गई। इसी तरीके से अगर आपने ये चेंज करनी है तो आप दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप करेंगे रिमूव तो ये रिमूव हो गई, ठीक है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ से आप सर्च करके तो नई पिक्चर भी लगा सकते हैं, या कोई और आपने अपलोड डाउनलोड करके रखी हुई है और उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपने पास मेरी पिक्चर में डाउनलोड करके रखी हुई है वो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ पिक्चर काइट की और मैं बच्चों को यहाँ पर मैं ऑप्शन दूंगा कि वो इस काइट, ये जो पिक्चर आ रही है उसकी बिगनिंग साउंड कौन सा लेटर है। नीचे मैं यहाँ पर बच्चों को वो चार लेटर्स दूंगा तो उसमें से बच्चा जो है करेक्ट को टैप करेगा, अगर गलत को करेगा तो वो रॉन्ग बताएगा, अगर सही को करेगा तो वो, तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करनी, जस्ट पिक्चर्स ऐड करनी है, ये भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं उसको लोकेट करके
मैं फोर पिक्चर्स मैंने डिफरेंट देनी है, तो मैं रैंडमली कुछ पिक्चर्स इसमें दूंगा यहाँ पर, और उसमें से एक करेक्ट भी जो है वो भी, ये करेक्ट वाला हमने दे दिया यहाँ पर, और ठीक है जी, ये यहाँ पर मैंने बच्चे को फोर ऑप्शंस दे दिए। अब इसमें से सही कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, इसको मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हम यहाँ से ऐसे ही यहाँ पर इसमें क्लिक किया और यहाँ से अपलोड करेंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ ऑरेंज। और यहाँ से अब इसके लिए बच्चे को लेटर्स के ऑप्शंस देने हैं, यहाँ से क्लिक किया। अब मैं यहाँ से लेटर्स सेलेक्ट करूँगा। आप जिस तरीके से आप इसको करना चाहें ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको करेक्ट वाला ऑप्शन रख लेते हैं इस पर, सी पर, तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, ठीक है जी। और एक और यहाँ से ऑप्शन हम अपलोड कर देते हैं, ओके जी। अब ऐसे ही आप इसमें क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं, आप जितने क्वेश्चन चाहें इसमें, 10, 20, up to 100 आपके पास ऑप्शन होता है कि इसमें आप 100 क्वेश्चन एट अ टाइम दे सकते हैं। लेकिन बेहतरीन एक्टिविटी यही है कि आप 5 या 10, 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं इसमें रखें, ठीक है। यहाँ पर अब हमने ये दो यहाँ पर अपलोड कर दिए, डन कर दिए, इसको हम यहाँ कर देंगे डन। तो हमारे पास एक्टिविटी अब यहाँ पर ये सेविंग एक्टिविटी का मैसेज दे रहा है, और ये अब हमारे पास एक्टिविटी सेव होके हमारे पास इसको अब हम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो हमने जैसे टाइटल दिया था वो मैच द पिक्चर विथ बिगनिंग लेटर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम प्ले करते हैं, इसको हम फुल स्क्रीन भी यहाँ से कर सकते हैं, ये फुल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पर हम एक्चुअल जो करेक्ट लेटर है उसको हम अगर क्लिक करते हैं, या स्मार्टफोन पर अगर बच्चा टैप भी करेगा तो सेम फंक्शन करेगा। और यहाँ पर हम इसको रॉन्ग करके देखते हैं जी, ये मुझे रॉन्ग बता रहा है, और उसने बाद में सही भी उसने बताया कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखें यहाँ पर स्कोर बता रहा है, टाइम बता रहा है, और शो आंसर्स भी आप देख सकते हैं, लीडर्स बोर्ड यानी कि जो जो बच्चों ने किया होगा वो भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ हमने शेयर करना है। ये तो एक्टिविटी आपने बना दी, आपके अकाउंट में ये क्रिएट हो गई एक्टिविटी। अब इसमें आप एक और चीज़ है, यहाँ पर एक ऑप्शन है नीचे, जब एक्टिविटी बन के आपके पास सेव होके यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कुछ, इसमें आप ये टाइमर का काउंटडाउन, काउंटअप, काउंटडाउन ये भी आप कर सकते हैं, और लाइव्स यानी ये बच्चे इसको कितनी बार, कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसको कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ से मैक्सिमम अप टू 10 है। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हर बार क्वेश्चंस जो हैं शफल होके आएँ, यानी कि पहली दफ़ा अगर एक जो नंबर वन पे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नंबर फाइव पे हो, नंबर फोर पे, शफल ऑटोमेटिक उसको करेगा। इसको हम ऑन कर देंगे। शो आंसर्स आप चाहते हैं कि बच्चों को एंड में आंसर्स शो हों तो ठीक है, अगर नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे, और ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड आफ्टर मेकिंग मार्किंग। तो जैसे ही वो उसको बच्चा मार्क करेगा तो ऑटोमेटिक वो प्रोसीड कर देगा। इसको हम कर देते हैं अप्लाई, अप्लाई टू दिस एक्टिविटी, ये हो गया अप्लाई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ शेयर हमने कैसे करना है। उसके लिए आप देखें यहाँ पर एक्टिविटी के नीचे ये हमारे पास ऑप्शन है शेयर, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है हु डू यू वॉन्ट टू शेयर विथ अदर टीचर्स। आप इसको दूसरी पूरी दुनिया में जितनी भी टीचर्स हैं उन सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेक पब्लिक कर देंगे।
अगर आप सिर्फ अपने स्टूडेंट को शेयर करना चाहते हैं तो फिर हम क्लिक करेंगे सेट असाइनमेंट, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर रिजल्ट के लिए आपको ये टाइटल ऑटोमेटिक वो दे रहा है कि रिजल्ट फोर फॉर मैच द पिक्चर विद बिगिनिंग लेटर, ये वहाँ पर आपके पास रिजल्ट्स में वो चीज़ शो होगी। अब रजिस्ट्रेशन में शो कर रहा है कि आप एनोनिमस रखना चाहते हैं यानी कि बगैर नाम के बच्चा उसको करे, या एंटर नेम पे अगर क्लिक कर देंगे तो बच्चे को पहले अपना नाम टाइप करना होगा, देन वो इसको सॉल्व कर सकता है। उसके बाद डेडलाइन, आप इसकी डेडलाइन भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नन शो कर रहा है। अगर आप डेडलाइन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइम सेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे तो उस डेट और टाइम तक एक्टिविटी जो है वो आपकी एक्टिव रहेगी, उसके बाद डीएक्टिव हो जाएगी। और इसी तरीके से एंड ऑफ गेम में शो आंसर्स आप शो कराना चाहते हैं, लीडर्स बोर्ड यानी कि जो बच्चों ने जो टाइमर और करेक्ट के हिसाब से जो किया होगा वो भी आप शो करना चाहते हैं, उसको भी चेक कर दें। अगर दोनों ये नहीं चाहते कि आप आंसर्स शो करें तो इनको अनचेक कर दें, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट, जैसे स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग कर रहा है और एक लिंक जनरेट करके हमें एक लिंक प्रोवाइड कर देगा जी। तो ये असाइनमेंट सेट ऑल डन, गिव द दिस लिंक टू योर स्टूडेंट्स, ये अब लिंक का इसने बना के हमें दे दिया है, इसको हम जस्ट करेंगे कॉपी, तो हमारे पास ये कॉपी हो गया और इसको हम कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है जी। अब इस लिंक को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, आप एक न्यू टैब ओपन कर लें और इस में यहाँ पर पेस्ट कर दें और एंटर करते हैं, ठीक है जी। ये मैच द पिक्चर ये आपके पास आ गया, यहाँ पर आप नाम टाइप कर देंगे और करेंगे, ये स्टूडेंट के लिए हो गया कि स्टूडेंट यहाँ पर नाम टाइप करेगा और स्टार्ट, तो ये स्टूडेंट के पास यहाँ पर इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब वहाँ पर रेंडम देखें, हमने सेलेक्ट किया था तो ये सेकंड वाला था वो पहले यहाँ पर शो कर रहा है, तो बच्चा इसको टैप करेगा, ठीक है। इसमें टाइम भी ऑटोमेटिक बच्चे ने कितना टाइम लगाया है इस पर वो भी आ जाएगा और उसका स्कोर भी वहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है जी। ये 2 out of 2 ये यानी कि स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, 15.65 seconds में हुआ है स्टार्ट। अगर बच्चा दोबारा करना चाहता है तो इसको दोबारा भी कर सकता है क्योंकि हमने अनलिमिटेड का ऑप्शन वहाँ पर रखा था, तो ये यहाँ पर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमने कैसे चेक करना है, तो बहुत ही सिंपल है, ये आपके पास ऊपर जो बार है इसमें ऑप्शन है माई रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो रिजल्ट्स जितने भी हमारे क्विजेज सेट किए हुए हैं जो भी हैं मेरे पास और भी हैं कुछ, तो यहाँ पर रिजल्ट फोर फॉर मैचिंग द पिक्चर विथ बिगनर ये हमारे पास है और इस पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास बहुत ही कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना ने अटेम्प्ट किया है, एवरेज स्कोर क्या है, टॉप स्कोर क्या है, फास्टेस्ट कितना है, और ये ग्राफ आपको दे रहा है और इसमें रिजल्ट बाय क्वेश्चन, ये रिजल्ट बाय क्वेश्चन है, रिजल्ट बाय स्टूडेंट आपको बाय स्टूडेंट रिजल्ट आपको दे रहा है कि अली ने ये किए हैं, 2 correct किए हैं और इसका टाइम ये है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास ये आ रही, तो ऐसे ही आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लिंक जो है वो जनरेट कर लेंगे उस लिंक को आप आगे आप अपने सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आप इसको बच्चों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक पर या क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम के अंदर आप इसको शेयर कर सकते हैं। आई होप कि अब आप वर्ड वॉल के अंदर इजीली एक्टिविटीज़ बना सकेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।